नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूं एक और रहस्यमय किस्सा लेकर। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि वीडियो उनके लिए बिल्कुल नहीं है जो भूत प्रेतों को महज एक कल्पना मानते हैं। ऐसा लोग इस वीडियो को देखकर सिर्फ कुतर्क करेंगे, लेकिन इस विषय की गंभीरता को नहीं समझेंगे। इस समय आपके आसपास काफी सारी चीजें मौजूद होंगी, कुर्सी, मेज, बेड इत्यादि। इनमें से अगर अचानक से कोई भी वस्तु हिलने लगे तो बेशक आप दहशत में आ जाएंगे। पूरे विश्व में ऐसी कई सारी शापित वस्तुएं हैं जो शापित से भी भयानक स्थिति में हैं। इन पे कोई काला साया नहीं, खुद मौत मंडराती है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5, द एंग्विश्ड मैन। सीन रॉबिन्सन नाम के एक आदमी की दादी जब एक्सपायर हो गई, तब उसकी दादी की सारी संपत्ति उसके नाम हो गई। इस संपत्ति में एक भयानक तस्वीर भी थी जिसको उसकी दादी घर के तहखाने में रखती थी। इस पेंटिंग का नाम था दी एंग्विश्ड मैन और उसकी दादी ने उसे बताया था कि ये तस्वीर शापित है। इसके पेंटर ने इस पेंटिंग को अपने खून से बनाया था और जैसे ही उसकी पेंटिंग पूरी हो गई, उस पेंटर ने आत्महत्या कर ली। शॉन को यह कहानी झूठी लगती थी, लेकिन बिना कुछ सोचे समझे दादी की मृत्यु के बाद उस पेंटिंग को अपने ड्राइंग रूम में रख दिया। कुछ समय बाद उसके घर में अनहोनी होना शुरू हो गई और एक के बाद एक घर में मौत का सिलसिला शुरू हो गया था। शॉन के हिसाब से उन्हें रूम के दरवाजे के पास कुछ परछाई दिखाई देती थी। जब ये सिलसिले ज्यादा डरावना मोड़ लेने लगे तो शॉन ने उस पेंटिंग को दोबारा तहखाने में रख दिया और सब कुछ नॉर्मल है और शॉन अब तक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। शॉन ने यह भी बताया कि कई लोगों ने उसे इस पेंटिंग को खरीदने का ऑफर भी दिया। कई लोगों ने तो उसके बदले 500 करोड़ जैसी बड़ी कीमत भी देने की बात की, लेकिन शॉन ने इसे नहीं बेचा क्योंकि शॉन को लगता है कि यह पेंटिंग बहुत खतरनाक है और अगर ये किसी के भी हाथ में चली गई तो ये उसके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। नंबर 4, चेयर ऑफ डेथ। यह घटना है सन 1702 की। थॉमस बसबी और उसका एक दोस्त डैनियल नकली सिक्के बनाने और गैरकानूनी काम में शामिल थे। ये दोनों काफी अच्छे दोस्त थे, लेकिन बसबी को अपनी जिंदगी में अगर किसी चीज से सबसे ज्यादा प्यार था तो वो था उसकी कुर्सी से। वो जहां भी जाता अपनी कुर्सी पर ही बैठता और अगर कोई दूसरा उसकी कुर्सी पर बैठ जाए तो वो बहुत गुस्से में आ जाता था। इतना ज्यादा गुस्से में कि वो बिना कुछ सुने ही इस पे बैठने वाले को मारने पीटने लगता था। एक दिन हमेशा की तरह थॉमस और उसका दोस्त शाम को बार में दारू पी रहे थे और वहां पर थॉमस अपनी ही कुर्सी पर बैठा था। नशे में थॉमस डैनियल से बोल देता है कि वो उसकी लड़की से प्यार करता है। ये सुनकर डैनियल को गुस्सा आ जाता है और तभी इन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। लड़ाई के दौरान डैनियल थॉमस की कुर्सी पर बैठ जाता है और ये देखकर थॉमस गला दबाकर डैनियल को मार देता है। इसके बाद इसी जुर्म में बसबी को फांसी की सजा दी जाती है, लेकिन अंतिम इच्छा में बसबी उसी कुर्सी पर बैठने को कहता है। जैसे ही वो कुर्सी पर बैठता है, जोर से चिल्ला देता है कि अगर उसके बाद कोई उसकी कुर्सी पर बैठा तो उसकी मौत हो जाएगी। इसी किस्से के बाद ये कुर्सी दसियों लोगों की मौत का कारण बन चुकी है। इसके बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। चलिए बढ़ते हैं कहानी नंबर 3 की ओर, हेट बॉक्स। ये एक कैबिनेट है जिसके अंदर यह अजीब सा पत्थर रखा हुआ है। इस पत्थर पर जो लिखा है उसका इंग्लिश में मतलब हेट बताया जाता है, जिसका अनुवाद हिंदी में नफरत। अब आप समझ ही गए होंगे कि इसे हेट बॉक्स क्यों बुलाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस कैबिनेट के अंदर एक प्रेत निवास करता है और जो भी इसको छूने या छेड़ने की कोशिश करता है उसमें निवास करने वाली आत्मा उसकी जान ले लेती है। इस कैबिनेट की असली कहानी कोई नहीं जानता और इसके भूत की क्या कहानी है यह भी आज तक अज्ञात है। चलिए बढ़ते हैं कहानी नंबर 2 की तरफ, द हैंड्स रेसिस्टिंग। ये इस ग्रह की सबसे डरावनी तस्वीर कही जाती है। आप इस पे गौर ना करें तो भी आपको डरावनी दिखेगी, पर इसके नाम के पीछे की वजह के लिए इस पेंटिंग में पीछे देखिए। यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं जैसे इस खिड़की से कुछ हाथ निकल रहे हो और अभी इन बच्चों के साथ कुछ हादसा होने वाला हो। लेकिन ये बच्चे भी किसी भूतिया पिशाच से कम नहीं लग रहे। राज की चादर ओढ़े ये पेंटिंग एक ई कॉमर्स वेबसाइट पर बेची गई थी, पर आज तक इस तस्वीर का मालिक जो कोई भी रहा वह जिंदा नहीं बचा। नंबर 1, एनाबेल। मैं इस बात पर यकीन नहीं कर सकता
कि आपने कभी एनाबेला का नाम न सुना हो। इस दुनिया की सबसे प्रेत बाधित वस्तु है ये भोली भाली गुड़िया, लेकिन ये इसकी असली तस्वीर नहीं है। ये तो केवल फिल्मों में डरावना दिखाए जाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। बाकी असली एनाबेला तो है ये। कोई इस गुड़िया को देखकर कैसे कह सकता है कि यह, इस गुड़िया ने पूरे विश्व में सुर्खियां बटोरी हैं, वो भी अपनी प्रेत बाधित घटनाओं के लिए। इस गुड़िया ने अकेले कई घर बर्बाद कर दिए हैं। यही नहीं, ये भोली भाली गुड़िया इस दुनिया की सबसे सुरक्षित प्रेतबद्ध चीज है, यानी इसे दुनिया में प्रेत बाधित चीजों के लिए सबसे सुरक्षित जगह पर रखा गया है। इसकी देखभाल के लिए एक पादरी हर रोज इस पे पवित्र जल छिड़कता है और रोज ही इस पे धार्मिक प्रयोग किए जाते हैं। सोचिए केवल इस गुड़िया का पूरी दुनिया में कितना खौफ है। तो ये थी इस दुनिया की कुछ प्रेत बाधित वस्तुएं। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट दो देखना है, तो एनाबेला पर एक पूरा डरावना वीडियो देखना है, तो हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में अपनी राय दें, और अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन जरूर दबाएं। एक बार फिर मिलता हूं एक और ऐसे ही रहस्यमय वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।